रोटरी पानीपत मिडटाउन क्लब द्वारा स्टेडियम के साथ लगती सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पानीपत के पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पानीपत की सिटी मजिस्ट्रेट शशि वसुंधरा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रसिद्ध उद्योगपति व रोटरी क्लब के सदस्य विनोद धमीजा रहे। कार्यक्रम के चेयरमैन संदीप खेर थे। क्लब के प्रधान देवेंद्र ने बताया कि रोटरी क्लब मिडटाउन द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। आज कार्यक्रम की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टेडियम के दोनों तरफ सड़क के किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही रेहड़ी वाले जो गली में जाकर फल सब्जी बेचते हैं, उन्हें धूप से बचाने के लिए क्लब की तरफ से बड़ा छाता व टोपियां भी भेंट की गई ताकि वे धूप से बचे रहें। मिडटाउन के द्वारा वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, तो उसी में क्योंकि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण से अच्छा कुछ नहीं है, तो उसमें मैं भी, सीटीएम मैडम भी, सब लोग शामिल हुए हैं और उम्मीद करते हैं जो ये 5,000 पेड़ लगाने का रोटरी मिडटाउन ने फैसला किया है और वो उसको सर्वाइव भी करवाएंगे। रोटरी क्लब के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू। ये पानीपत रोटरी क्लब पानीपत मिडटाउन की तरफ आयोजित है और इसमें हमारा सौभाग्य है कि हमारे SP साहब मनवीर जी आए हुए हैं, साथ में शशि जी आई हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, पर्यावरण को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ये था और साथ में जो पानीपत के अंदर इतनी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ये लोग बेचारे धूप में बैठ के अपनी सेलिंग करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए सबको छतरियाँ प्रदान की गई हैं रोटरी क्लब पानीपत की तरफ से। और हमारे इसमें प्रेजिडेंट जो हैं वो देवेंद्र जी हैं और उनके साथ अजय नेजा जी हमारे हैं और सभी मेम्बर्स यहाँ आए हुए हैं। रोटरी क्लब पानीपत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है और पानीपत में एक जाना माना क्लब है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट 3080 की पहचान है ये क्लब, और हम आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट करते रहेंगे और स्वच्छ भारत की तरफ हमारा जो कदम बढ़ रहे हैं उसके लिए हमारा क्लब पूरा योगदान देगा। ठीक ठीक। पानीपत रोटरी क्लब की ओर से आज हमने 3 प्रोजेक्ट किए हैं। एक बर्ड्स पाल्स के लिए किया है, जो चिड़िया वगैरह हैं जो ना सके और उनमें खाना खा सके वो बांटे हैं हमने, और 60 जो है रेड़ी वाले थे हमने उनको छतरी दी है जिससे वो धूप में खड़े रहते थे, उनके जो फल फ्रूट से ख़राब होते थे और खुद उनको धूप लगती थी, आज उनको बचने के लिए हमने छतरियाँ बांटी हैं। और ट्री प्लांटेशन हमने किए जो है ट्री गार्ड के साथ में 100 ट्री लगाए हैं और हमारी आज खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में हमारे SP साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं। धन्यवाद। मिडटाउन से मैं देवेंद्र सिंह, आज हमारे यहाँ SP साहब और CGM मैडम आए हुए हैं, तो आज एक्चुअली हमारे 3 प्रोजेक्ट थे, अपने ट्री प्लांटेशन और बर्ड बाथ का, और तीसरा हमारा ये है अपना रेड़ी वालों के लिए हमने उनको शेल्टर दिया है, छतरी दी है ताकि वो उनको धूप से बच सकें, बरसात से बच सकें। और ये हमारा जो ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है, इस साल हमने 5,000 से 6,000 पेड़ लगाने का हमने मोटो लिया है। पहले दिन ही हमने 600 पेड़ बांटे हैं और आज हमने 100 पेड़ लगाए हैं, अगले सोमवार अगले हफ्ते हमने फिर 100 पेड़ लगाने हैं, तो हर हफ्ते हर महीने हम पेड़ लगाएंगे। ये जो मौसम है ये मौसम ठीक होता है पेड़ लगाने के लिए, तो हर दूसरे हफ्ते हम पेड़ लगाएंगे और ये हमारा मोटो है। और इन्वायरमेंट को लेके हम बहुत चीज़ें करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हमारा तकरीबन 60 लाख रुपया खर्च होना है, जो इंटरनेशनल एड से भी आ रहा है, तो उसमें हम गर्ल्स स्कूल के लिए अच्छे इंटरनेशनल लेवल के टॉयलेट बनाने जा रहे हैं, बच्चियों के लिए हम सैनिटेशन पैड, वेंडिंग मशीन सब अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, उनके लिए हम चेंजिंग रूम भी प्रोवाइड कराएंगे। हमने खाली गर्ल्स स्कूल को ही अभी टारगेट बनाया है, पहले गर्ल्स स्कूल्स को करके फिर आपा लड़कों की तरफ चलेंगे। ये हमने सारी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को कवर किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं रोटरी पानीपत मिडटाउन का प्रेसिडेंट।